मिलाकर हम पहुंच गए मोमोबर कैंपिंग साइट। अभी हम पहुंचते ही यहाँ पे हमने खाने का बंदोबस्त किया है, तो आज के इस टूर में हम अपने साथ बारबेक्यू का सारा सामान लेके आए हैं, तो यहाँ अभी हम बारबेक्यू करेंगे। आज तेल चूर थरेगा तो ना काली बम शो या थारा नहीं देते रहेंगे तेल चूर थरेगा सो छुट्टे ने से काले पे दर्शन दो बारबेक्यू के हिसाब से चिकन को छोटे छोटे पीसेस हम बनाएंगे। हमने चिकन के पीसेस छोटे छोटे बना लिए, अभी इसको हम धो के तैयार करेंगे और उसके बाद इसमें मसाला मिक्स करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम रखेंगे साइड पे और उसके बाद हम कोयला लगाएंगे। अभी हमने चिकन धो के तैयार किया, चिकन में हम टिक्का मसाला मिक्स करेंगे। एक डंडी में हम 4 पीसेस डालेंगे और पीसेस हमने छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आसानी से ये पक सके। फासला होना चाहिए ना पीस पीस के दरमियान। अभी तैयार हो गए, इसके बाद हम अभी कोयला लगाएंगे बॉक्स में, आग जलाएंगे। काफ़ी टाइम लगा, कोयला चढ़ाया हमने और इस पे आग जलाने तक। ये कोयला मुकम्मल तौर पे जल चुका है, तो अभी सीख इसके ऊपर रखेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। सीख कबाब हमारा बन रहा है, बारबेक्यू हमारा बन रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 10-15 मिनट में ये तैयार होगा। हमने रोटी का ऑर्डर किया है, हवा चल रही है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है सुबह से, तो बस अब थोड़ी देर में हमारा बारबेक्यू तैयार होगा। हम बैठ के इसी सहन में इसी लॉन में बैठ के खाएँगे। हमारा दस्तरखान बिछ गया, थोड़े से जले हैं, हमें इतना आइडिया नहीं था सीख्स बनाने का, लेकिन ऐसे माहौल में आप कुछ भी बना के खाओ, इस खुले माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में, ग्रीनरी जहाँ हर तरफ
हरियाली है, सब्जाहट है, तो ऐसे मौसम में, ऐसे लोकेशन में, ऐसे व्यू में आप दस्तरखान पे नीचे बैठ के कुछ भी खाते हो उसका अपना ही मज़ा है। तो ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, अच्छा लग रहा है। और बच्चे देखें, काफ़ी इनको भूख लगी थी, घर की रोटी बनी है, बहुत अच्छी रोटी, नरम। बहुत अच्छा, मानू जाना अभी तो खाना।